चलिए, खैर, ये जो हमारा पहला अध्याय है, लेखा शास्त्र का परिचय, इसमें हमने अभी तक जो भी जाना, जो भी समझा, उसे हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है, इसमें आपने कल सुना था, पहले लिख और पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। इसका मतलब है कि आप एक व्यापारी के तौर पे किसी को भी, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी लेन देन किसी के साथ करें, तो आपको ये जरूरत पड़ती है कि उसको हिसाब में जरूर लिख लें। क्योंकि अगर आपने हिसाब में कहीं कुछ लिख रखा है और वह व्यक्ति भूल जाता है, या आप ही अगर भूल जाते हैं, तो वो जो कागज है वो आपको याद दिला देगा। ठीक है, ये सारे व्यापारियों, उद्योगपतियों और पेशेवर लोगों के लिए ये बात है। व्यापारी यानी कि ट्रेडर्स, उद्योगपति के लिए अंग्रेजी में शब्द आता है इंडस्ट्रियलिस्ट, और पेशेवर के लिए आता है प्रोफेशनल्स। इन सारे लोगों के लिए ये कहावत कही गई है। ठीक है, ऐसे सारे लोग जो रुपए का लेन देन करते हैं, माल को खरीदते या बेचते हैं, या सेवाओं को देते हैं। तो इनमें से कौन कौन व्यक्ति हैं? रुपए का लेन देन करने का काम व्यापारी लोग करते हैं, ज्यादातर माल के बदले पैसे लेना देना ये इनका काम रहता है। उद्योगपति जो होते हैं वो माल बनाते हैं और उन्हें बेचते भी हैं, है ना। और पेशेवर लोग होते हैं वो जो सेवाएं देते हैं, जैसे टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये सब कहलाते हैं प्रोफेशनल्स। क्लियर? यहां तक कोई डाउट किसी को? इतनी बात समझ में नो आ रही है? सर, ओके, आप ये भी जानते हैं कि मनुष्य होने के नाते यस हम सर, सबकी याददाश्त की अपनी सीमाएं हैं। ठीक है, सारे ट्रांजेक्शंस, जैसे दिन में हम किसी एक व्यक्ति को कोई वस्तु दें और महीने भर बाद वो हमें मिले, तो हो सकता है महीने भर बाद भी हमें ध्यान रहे कि हमने उसको एक वस्तु कौन सी दी थी, उसने उसका पैसा दिया था या नहीं दिया था। लेकिन व्यापार में तो एक दिन में हजारों की संख्या में कस्टमर्स आते हैं, उसमें से कुछ मान लिया उधार लेते हैं और कुछ पुराना हिसाब चुकाते हैं, कितना कौन चुका के गया, कितना किसका बकाया था, ये सब याद तो नहीं रखा जा सकता, है ना। नहीं याद रख सकते, क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में व्यापार में ट्रांजेक्शन होते हैं। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, हमें लगा कि भाई लेखन जो है की जरूरत है, तो लेखन करने के लिए हमें लेखन की आर्ट आनी चाहिए, है ना। लेखन मतलब अकाउंटिंग, यहाँ यहाँ राइटिंग नहीं है। ठीक है, लेखन कला यानी कि अकाउंटिंग हमें आनी चाहिए। तो प्राचीन काल में उत्पादन और व्यापार बहुत सीमित और छोटे पैमाने पर होता था, लेन देन भी बड़े सीमित होते थे। उन्हें आप साधारण ढंग से पुस्तकों में या लेखांकन की किताबें, जिन्हें बही कहा जाता था उस समय, बहिया यानी कि बही का बहुवचन रूप, तो अकाउंटिंग बुक्स में आसानी से साधारण तरह से लिख लिया जाता था। ये बही खाता या पुस्तपालन का प्रारंभिक युग था। इसका बिल्कुल सरल स्वरूप था उस समय, जब लेन देन छोटे लेवल पर होता था और बहुत जटिल या बहुत ज्यादा संख्या में ट्रांजेक्शन्स नहीं होते थे। ठीक, लेकिन उत्पादन का स्तर बढ़ा। जब जैसे जैसे उत्पादन बढ़ा, वैसे वैसे विशिष्टता और श्रम विभाजन, ये दो चीजें जुड़ी। अब ये क्या होता है विशिष्टता, और ये श्रम विभाजन क्या होता है, थोड़ा सा जानिए। विशिष्टता जो है वो श्रम विभाजन का परिणाम है। श्रम विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क। आपके घर में मान लीजिए कि चार नौकर लगे हुए हैं, ठीक है, और हर नौकर का आपने कुछ ना कुछ काम तय कर रखा है। जैसे खाना बनाने वाला कौन है ये भी पता है, कौन झाड़ू पोछा वगैरह करेगा, कौन बाजार से सामान लेकर के आएगा, कौन आपको या आपके पापा मम्मी को जब कभी भी बाहर जाना होगा तो कार ड्राइव करके ले जाएगा। ये चार चीजें हैं, चार काम चारों लोगों के आपने तय कर रखे हैं। ठीक है, जो घर पे रहेगा, झाड़ू पोछा दिन भर नहीं होता है, अगर कोई आता है तो वो डोर ओपन करेगा, ये सब रहेगा, है ना। अच्छा, मान लिया ये जो बंटवारा आपने किया है, ये बंटवारा आपने ना किया हो, कोई भी आपने वर्क डिवीजन नहीं किया है, तो अगर डोर बेल बजे तो क्या होगा? आपने कोई कार्य का बंटवारा नहीं किया है और कोई गेट पर है, डोर बेल बज रही है, तो क्या होगा? चारों में से किसी को पता ही नहीं कि किसे खोलना है, ये काम किसका है, तो ये संभव है कि कोई भी ना जाए खोलने के लिए दरवाजा। और ये भी संभव है कि अगर चारों बहुत अच्छे हैं, बहुत सीरियस हैं, बहुत मेहनती हैं, तो चारों एक साथ दौड़ पड़े दरवाजा खोलने के लिए। ये भी हो सकता है कि चारों एक साथ टकरा जाएं इस उपक्रम में, तो क्या होगा? एक मिस क्रिएट होगा घर में। अगर चारों दरवाजा खोलने के लिए दौड़ेंगे कि, तो तीन लोगों की जो एनर्जी है और जो टाइम है वो वेस्ट होगी, क्योंकि दरवाजा तो एक ही खोलेगा। इसका मतलब क्या है, अगर आपने वर्क डिवीजन नहीं किया तो टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी,
और अल्टीमेटली काम सही से नहीं हो पाएगा। क्या ये बात समझ में आई? अब हम पहली सिचुएशन पे जाते हैं कि कार्य का बंटवारा है सबका, तो क्या होगा? खाना बनाने वाला खाना बना रहा है, ठीक है, गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चला रहा है, घर की साफ सफाई वाला, डोर ओपन करने वाला वो काम कर रहा है, ठीक है, सबका काम बटा हुआ है। तो धीरे धीरे यही काम करते 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 हर जो आपका सर्वेंट है वो उसी काम में माहिर होता चला जाएगा, है ना? जो काम आप लगातार करते हैं उसमें माहिर हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? ओके, तो ये जो माहिर होना है इसी को विशिष्टता बोलते हैं। तो जब आपने पहले श्रम विभाजन किया तब विशिष्टता का गुण जुड़ा। ये बात क्लियर है? इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? ये बात समझ में आई सभी को? यस सर। ओके गुड। तो जैसे जैसे उत्पादन और व्यापार में विशिष्टता आई श्रम विभाजन की वजह से, वैसे वैसे इसका जो क्षेत्र है, जो अकाउंटिंग का क्षेत्र है और जो इसकी विविधताएं हैं, यानी कि इसमें जो तरह तरह की चीजें थी, डाइवर्सिटीज कह लीजिए, वो बढ़ती चली गई। विज्ञान की उन्नति हुई और उसके साथ साथ क्या पाया आपने कि व्यापार के रूप भी नए नए आए। जैसे एकाकी व्यापार, अकेला छोटा व्यक्ति कोई पान का ठेला, चाय का कोई ढाबा ऐसा खोल लेता है, उसे एकाकी व्यापार कहा जाता है। जनरल मर्चेंट की जितनी दुकानें जहां एक व्यक्ति जनरली आपको बैठा मिलता है, वो एकाकी व्यापार के उदाहरण है। एक से ज्यादा लोग जहां पर जुड़ते हैं, मतलब दो या दो से अधिक लोग, अधिकतम 20, बैंकिंग व्यापार में अधिकतम 10, इसे साझेदारी बोला जाता है। मैंने जो बोला वो अगर ज्यादा हो गया तो एक बार फिर से ध्यान से समझें उसे। अकेला व्यक्ति जब बिजनेस करता है तो उसे एकाकी व्यापार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकाकी व्यापार। सुनाई पड़ रहा है आवाज? आप लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं क्योंकि इंटरनेट एक स्पीड, एकाकी व्यापार। हाँ प्लीज बोलते रहें क्योंकि पता नहीं चलता अगर आप नहीं बोलते कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। और आज सुबह से बारिश हो रही तो नेटवर्क का इशू पहली मीटिंग में बढ़ा रहा है, इसीलिए प्लीज प्लीज बोलते रहें, ठीक है। तो एक व्यक्ति का बिजनेस एकाकी व्यापार, दो या दो से अधिक लोग जुड़ते हैं, मिलजुल करके कुछ पैसा लगाते हैं और अपना समय भी लगाते हैं, अपना श्रम लगाते हैं और अपना नॉलेज भी लगाते हैं, तो उन्हें हम साझेदारी संस्था बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर कुछ लोग एक साथ जुड़ते हैं और उसमें कोई लिमिट नहीं है, सहकारिता की भावना से जुड़ते हैं और वो किसी एक उद्देश्य के साथ, जैसे मान लीजिए वो ग्राहक हैं, ग्राहकों का समूह जुड़ा और उन्होंने एक साथ कुछ माल खरीद लिया, किसी एक कमरे में उसे इकट्ठा कर लिया और ग्राहकों के बीच में ही वो सेवाएं देते हैं, इसको हम सहकारी संस्था बोलते हैं, ठीक है। सहकारी संस्था कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से हो सकती है या किसान हो सकते हैं, किसान कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है। अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग जो है उद्देश्य से जब कोऑपरेशन की भावना के साथ जुड़ते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो उसको सहकारी संस्था कहा जाता है। सहकारी संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, इसीलिए लाभकारी संस्थाओं में इसे नहीं जोड़ते हैं, लेकिन संगठन का एक यह भी स्वरूप है। व्यापारिक संगठनों में एक तो एकाकी व्यापार आपने पढ़ा, दूसरा आपने पढ़ा जो साझेदारी संस्था है और तीसरा कंपनी जो सबसे पॉपुलर है। कंपनी का मतलब होता है कि भारत में कंपनी अधिनियम 2013 लेटेस्ट अधिनियम है, इसके अंतर्गत आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी एक कंपनी का निर्माण करने के लिए। कंपनियों के कई उदाहरण आप लोग सुनते हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, आप नाम सुनते ही हैं, हजारों कंपनियां हैं। आपसे अगर कहा जाए तो आप कई सारी कंपनियों के नाम खुद ही ले सकते हैं। कई तो मोबाइल सर्विस प्रदाता कंपनियां हैं जिसमें रिलायंस जियो है, वोडाफोन आइडिया है और BSNL वगैरह आते हैं। तमाम ऐसी सरकारी कंपनियां हैं जिसमें भेल सेल आती हैं, ठीक है। तमाम निजी कंपनियां हैं जिसमें रिलायंस आएगी और तमाम सारी ढेर सारी कंपनियां। तो कंपनियों के रूप में भी अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। ये तभी कोई व्यक्ति कराता है जब उसे बिजनेस बड़े लेवल पे करना होता है। बिजनेस के ये सारे रूप हैं जो इन्होंने बोला कि विज्ञान की उन्नति के साथ साथ व्यापार के अनेक रूप जो है वह प्रचलन में आए, तो अकाउंटिंग करने वालों के सामने जटिल समस्याएं आने लगी, ठीक है। व्यापार का अंतरराष्ट्रीय विकास हो चुका था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार हो रहा है आज की डेट में। तो हो ये रहा है कि अलग अलग देश की संस्कृतियां अलग अलग हैं, वहां की सभ्यता अलग अलग है, तो वहां पे अकाउंटिंग करने का तरीका भी अलग अलग था। लेकिन चूंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है और संगठन अंतरराष्ट्रीय हो चुके हैं, तो उनमें कोई एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो कि हर देश में सेम हो। और विज्ञान ही एक ऐसा विषय है बच्चों
जो कि हमेशा सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होते, चाहे वो भारत हो चाहे अमेरिका हो, यहाँ तक कि आप पृथ्वी से बाहर निकल जाइए, अंतरिक्ष में चले जाइए, वहां पर भी विज्ञान नहीं बदलता। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ते ना कि पानी कैसे बनेगा, है ना, तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिला देंगे तो पानी बनेगा, ठीक है ना, आपने ये सुना है। तो ये आप चाहे धरती पर मिलाएं चाहे चांद पे मिलाएं, ये हमेशा रहेगा, चाहे भारत में मिलाएं चाहे अमेरिका मिलाएंगे, ये रहेगा। तो विज्ञान का मतलब होता है कि एक ऐसा नियम जो हमेशा सत्य हो, ये बात क्लियर है। उसमें कार्य और कारण परिणाम लागू हो, कारण और परिणाम सिद्धांत उसमें लागू होता हो, ठीक है, ये विज्ञान है। तो विज्ञान का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम बना लीजिए, अकाउंटिंग में भी ऐसा सोचा गया कि जो भारत में भी वही हो और अमेरिका में भी वही हो, हर जगह वही हो, ठीक। तो इसी का, इसी सोच का, इसी आवश्यकता का ये परिणाम था कि आज के रूप में हम जिस रूप में अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, वह दोहरा लेखा प्रणाली कहलाती है। अगर हम इसी पैराग्राफ के हिसाब से चलें तो जैसी जैसी जटिलताएं बढ़ी व्यापार की, वैसे वैसे हमें विधिवत और वैज्ञानिक ढंग से लेखा करने के लिए हमें कुछ इस तरह के सिस्टम की आवश्यकता पड़ी कि जब भी हमें व्यापार से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, उपयोगी जानकारी, तो हमें वह किसी भी समय मिल सके, ठीक है। इसके लिए हमने जो हमारे हिसाब की पुस्तकें थी उनका हमने विश्लेषण किया, एनालिसिस किया, ठीक है, और एनालिसिस इस तरह से किया, इस तरह से करना शुरू किया ताकि एक निश्चित काल यानी समय के बाद हमें ये पता चल सके कि हमें लाभ हुआ या हानि हुई। वो निश्चित काल जनरली एक साल होता है, भारतवर्ष में ये 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले वर्ष के 31 मार्च तक चलता है, ठीक है। तो इस निश्चित काल में हमने जो भी व्यावसायिक गतिविधियां की अपने वो संस्थान में जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, वहां रहते हुए, प्लीज स्क्रीन पे कुछ ना लिखें प्रज्ञा, वहां पर रहते हुए हमने लाभ कमाया या हानि, ठीक है, और हमारी आर्थिक स्थिति क्या रही, ये चीज हम यहाँ पर आके तय कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि अगर हमें ये चीजें तय करनी है तो हमें लगातार सुधार करने थे। हमने अकाउंटिंग को यानी कि हिसाब की पुस्तकों को 2 भागों में बांट दिया, ठीक है, पहला भाग हमने बुक कीपिंग रखी और दूसरा भाग हमने अकाउंटिंग रखी। अगर मोटे मोटे तौर पे आप जानना चाहें तो पहले भाग में हम जो भी लेन देन करते हैं हमने केवल उन लेन देनों को रिकॉर्ड किया अकाउंटिंग बुक्स में। पहली किताब मैंने आपको बताई थी जर्नल होती है, कौन सी, जर्नल, है ना, जर्नल यानी कि एक ऐसी किताब जिसमें हम सबसे पहले लेखा कर लेते हैं, ठीक है, जर्नल, ओके। और दूसरी किताब होती है खाता बही, जिसे हम लेजर बोलते हैं, LADGER, ठीक है, अंग्रेजी में लिखना थोड़ा सा आसान है यहाँ माउस से। सो जर्नल और लेजर, जो हमने ये जो 2 बुक देखी, इनमें हम जब लेखा करते हैं, पहले जर्नल में करते हैं, फिर जर्नल से होने के बाद हम फिर लेजर में पहुंचते हैं और लेजर में लेखा करते हैं, यहां तक इसे हम बुक कीपिंग मानते हैं, ठीक। इसके आगे का हम जो भी अकाउंटिंग का हिसाब किताब करते हैं वो अकाउंटेंसी का हिस्सा मान लिया जाता है। अभी मोटा मोटा समझे इस बात को, डिटेल में इतनी ही बात नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे तो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के अंतर पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, हमें ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन इतना जाने कि बुक कीपिंग शुरुआती स्तर है या शुरुआती हिस्सा है और अकाउंटेंसी एडवांस हिस्सा है, क्लियर, ठीक है। अब अगर आप इसे विज्ञान के तौर पर सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको इसके कुछ निश्चित नियम और सिद्धांत भी चाहिए, क्योंकि हर विज्ञान के कुछ निश्चित नियम और सिद्धांत होते ही हैं। ये बात क्लियर है सभी बच्चों को, यहाँ तक जो मैंने बोला, जब हम कोई बातें लगातार सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ डाउट भी आते हैं, तो अगर कोई डाउट जैसा है तो आप प्लीज पूछेंगे, बताएं, किसी को कुछ पूछना है, नहीं, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नमस्ते। ओके, अब क्या है कि समय के साथ साथ औद्योगिक और जो व्यापारिक संस्थाएं हैं, अनेक संगठनों का इनका रूप हुआ। मैंने अभी बताया आपको अनेक संगठन कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, एकाकी व्यापार, साझेदारी संस्था, सहकारी संस्थाएं, कंपनियां, एक और नाम आता है इसमें, हिंदू अविभाजित परिवार, अंग्रेजी में बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, संयुक्त परिवार होता है ना भारत में, ये हमारा कल्चर है। तो हमारे बाबा ने कोई बिजनेस शुरू किया तो उनका सहयोग हमारे पापा और चाचा कर रहे थे, फिर हमारी चाची और मम्मी भी उसमें बीच बीच में थोड़ा सा दुकान पे बैठने लगी, समय देने लगी, फिर हमारे जो भाई बंधु हुए,
ठीक है, हमारे चचेरे भाई और हमारे वो लोग भी जैसे ही बड़े हुए उस बिजनेस में समय देने लगे। ये अविभाजित परिवार है, संयुक्त परिवार है, तो ये बिजनेस का एक स्वरूप हमें दिखता है। अपने लखीमपुर में भी आप इस तरह का स्वरूप देख सकते हैं। ये अलग बात है कि उसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के तौर पर रजिस्टर आप कराएं या ना कराएं, ठीक है, लेकिन आप अल्टीमेटली इस रूप में इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो संगठन है अनेक, इनमें लगातार कोशिश की जा रही थी कि हिसाब की कौन सी विधि हम अपनाएं। ठीक है, बड़े बड़े जो औद्योगिक और व्यापारिक संस्थान थे उसमें जो है आपने पाया कि भाई खाता लिखने के लिए बहुत सारी अनेक सूचनाएं उन्हें चाहिए होती हैं, तो उसके लिए उनके पास तमाम किताबें थी। मैंने कल आपको बताया था कि जो प्रबंधकों को ढेर सारी सूचनाएं चाहिए, उन सूचनाओं को देने के लिए हम जिस विधि का उपयोग करते हैं लेखांकन की, वह जो ज्ञान की शाखा होगी, वह जो ब्रांच होगी उसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहा जाएगा। ठीक है ना, लाभ हुआ या हानि हुआ ये जानने के लिए जो आप हिसाब किताब करते हैं वो इसमें नहीं बताया गया, तो ये भी बता दें उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। किसे बोलते हैं, एक साल के आखिर में ओवरऑल कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई, अगर हमें ये जानना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए वित्तीय लेखांकन कर लेते हैं। क्या ये बात क्लियर है? तो अगर आप ये बात समझ गए हैं तो अब आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या था, प्रबंधकों को जो सूचनाएं चाहिए थी उसके लिए हमें अकाउंटिंग, जो हम पद्धति अपनाते हैं अकाउंटिंग की, उसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहा जाता है। इसे हम उच्च कक्षाओं में शामिल करते हैं, जैसे जब आप बीबीए करेंगे, एमबीए करेंगे तो वहां पर आपको, या बीकॉम भी करेंगे तो आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, लेकिन अभी जब आप 11th में पढ़ रहे हैं तो आपको जो पढ़ना होगा वो वित्तीय लेखांकन पढ़ना होगा। वित्तीय लेखांकन यानी जर्नल बनाना, लेजर बनाना, उसके बाद में लाभ और हानि तय करने के लिए लाभहानि खाता बनाना और आर्थिक चिट्ठा बना लेना। वित्तीय लेखांकन में यहाँ तक की चीजें आती हैं। ठीक है, इसमें कुछ और बातें इन्होंने इसमें बताने की कोशिश की है कि कुछ और संस्थाएं होती हैं, जैसे जो गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं उनके यहाँ, तो उनके भी लेखा करने का तरीका यही है, बस उनके यहाँ खाते कुछ बदल जाते हैं, जिन्हें हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, उत्पादक कोई भी हो, सफल वही हो सकता है आज की डेट में ऐसा माना जाता है जिसका लागत मूल्य पर पूरी तरह से नियंत्रण हो और कम से कम मूल्य पर वह माल का उत्पादन करता हो, अगर वो उत्पादन करता है। ठीक, और अगर वो उत्पादन करता नहीं है, मान लिया अगर वो ट्रेडर है, एक जगह से माल खरीदता है दूसरी जगह बेचता है, तो भी माल खरीदने की भी कुछ लागत आती है, ढेर सारे खर्चे होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने लागतों पे नियंत्रण कर लेता है, क्योंकि आप प्राइस अपने वस्तु का, अपनी कमोडिटी का, अपने माल का प्राइस जो है कोई भी प्राइस तय नहीं कर सकते, वो जो मार्केट में चल रहा होता है आपको वही स्वीकार करना होता है, तो आपके पास लागत एक चीज बचती है। अगर आप लागत को कम कर लें तो आप अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये कम कैसे कर पाएंगे, अपनी लागत को कम करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी लागत हुई कितनी है, और ये कहाँ से पता चलता है, ये आपको अकाउंटिंग के पुस्तकों से पता चलता है। तो अगर आप अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपके कहाँ किस आइटम पर कितना खर्च हुआ, और नॉर्मली पिछले महीने या उससे पहले जितना खर्चा होता था इस बार ज्यादा हुआ है खर्च, या आप जान ही कैसे पाएंगे अगर आप उसका लेखांकन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लगातार लेखांकन कर रहे हैं तो आप इस महीने की खर्चों का पिछले महीने के खर्चों से तुलना करते हुए तुरंत जान जाएंगे कि इस बार खर्चे हम थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हैं, तो तुरंत सावधान हो जाएंगे, और जैसे ही खर्चे ज्यादा होने लगेंगे आप उन्हें नियंत्रित कर पाएंगे, इस तरह से लागत भी कंट्रोल कर लेंगे। तो लागत को अगर बहुत ज्यादा फोकस करके कहीं पे लेखांकन किया जाता है तो उसी को लागत लेखा विधि भी कहा जाता है। अनेक प्रकार की सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी संस्थाएं हैं, संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां हैं जिन्हें ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं, जेएससी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी यानी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस, टाटा वगैरह। ठीक है, औद्योगिक और वित्त संबंधी संयुक्त पूंजी के आधार पर इनकी स्थापना होती है। औद्योगिक और वित्त संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां वो होती हैं, जैसे औद्योगिक में तो मान लेते हैं कि आप यही भेल सेल वगैरह देख लीजिए, रिलायंस भी इसमें आ जाएगी। वित्त संबंधी जो संस्थाएं होती हैं बच्चों, वो दो तरह की होती हैं, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग। एक तो बैंक है जो वित्त संबंधी संस्था है, और दूसरे जो वित्त यानी फाइनेंस का लेन देन तो करते हैं धन का, लेकिन वो बैंक नहीं है। ऐसी संस्थाएं जो
बैंक नहीं है लेकिन पैसे का लेन देन करती है, उन संस्थाओं का कोई उदाहरण आप में से दे सकता है? जानते हैं आप, उनका नाम बहुत सुनते हैं और उसमें कहीं ना कहीं आपके घर का कोई ना कोई व्यक्ति उसमें हिस्सेदारी भी करता ही करता है। जो बैंकिंग कंपनियां नहीं है लेकिन पैसे का लेन देन करती हैं, इन्हें हम बोलते हैं नॉन बैंकिंग। हाँ बोले सर, बीमा कंपनी। बीमा कंपनियां, बिल्कुल सही जवाब है, बीमा कंपनियां। इसके अलावा कुछ और भी कंपनियां आ जाती हैं, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह चलाने वाली कंपनियां या फाइनेंस में कोई स्कीम देने वाली कंपनियां, ठीक है, वो सारी इसमें आते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया मिताली ने, बढ़िया। तो ये सब वित्तीय संस्थान है, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग दो तरह की आएंगी, ठीक है। तो होता यह है कि ये जो भी संस्थाएं हैं, जनता उनकी प्रतिभूतियों का क्रय करती है और अपना धन उसमें लगाती है, चाहे वो औद्योगिक संस्थाएं हो या बड़ी कंपनियां हो। बड़ी कंपनियों के शेयर आप खरीद सकते हैं, ठीक है ना। वित्तीय कंपनियां हैं, उनके म्यूचुअल फंड आप, म्यूचुअल फंड जो कंपनियां होती हैं म्यूचुअल फंड चलाने वाली, उनके आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। बीमा कंपनियां हैं, उनकी आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। तो आप वहां पर पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों में आपका पैसा सुरक्षित रहे, ये कैसे हो पाएगा? इसमें अकाउंटिंग बड़ी भूमिका निभाता है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके शेयर आप खरीदते हैं या बैंकों में आप पैसा जमा करते हैं, इनकी जो बैलेंस शीट हर साल प्रकाशित की जाती है, उसे आप देख सकते हैं। उसे देखने के बाद आप श्योर हो सकते हैं कि भाई यहाँ पर पैसा लगाना ठीक है कि नहीं है, है ना। जितना इन्होंने कमाया उसमें से वो पूरा हिसाब उन्होंने सही सही आप में बांटा कि नहीं बांटा, ये भी अगर आपको जानना है तो इसमें भी अकाउंटिंग बड़ी भूमिका निभाती है। यानी यूं कह लें कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी हितों की रक्षा करना, ठीक है, इसके लिए जो ये संस्थाएं हैं इनकी इनकी या जो कंपनियां हैं इनका हिसाब किताब रखना, इनका निरीक्षण करना, ये सारे काम अकाउंटिंग के हिस्से में आता है। और निरीक्षण का कार्य अकाउंटिंग का, जो अकाउंटिंग के फील्ड का जो सबसे बड़ा एक्सपर्ट माना जाता है वो है ऑडिटर, अंकेक्षक वो करता है। ऐसा करने के पश्चात इन्वेस्टर्स जो होते हैं वह पूरी तरह से निश्चिंत हो पाते हैं कि हाँ, अगर इस कंपनी में हम अपना पैसा लगाते हैं, इसके शेयर खरीदते हैं, डिबेंचर खरीदते हैं, या इस इंश्योरेंस कंपनी की अगर कोई हम पॉलिसी खरीदते हैं, या इस म्यूचुअल कंपनी के म्यूचुअल फंड में अगर हम पैसा लगाते हैं किसी स्कीम में, तो हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो अपने आप में हम सबकी सुरक्षा करती है, हम सबकी वित्तीय सुरक्षा करती है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में अगर अकाउंटिंग सही से ना हो रही हो तो हम उनमें भरोसा ही नहीं जीत पाएंगे उनका कि हम उनमें पैसा लगा पाए, तो हम लाभ भी नहीं कमा पाएंगे। आज आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, अच्छा खासा कमाते हैं। अगर आप अपना पैसा केवल बैंक में जमा करें तो बैंक आपको इस समय 3.5% की दर से ही केवल ब्याज दे रहा है। और अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो हर म्यूचुअल फंड कम से कम आपको 15-20% का रिटर्न दे ही रहा है। लेकिन आपको म्यूचुअल फंड में पैसा थोड़ा सा सोच समझ करके जानबूझ के लगाना होता है। तो एक तरफ आपको 15-20%, अभी मैंने एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया तो वहां पर मुझे, मैंने देखा कि पिछले एक साल में 23% का रिटर्न मिला। तो जहां पर बैंक मुझे केवल 3% या 3.5% दे रहा है, वहां पर म्यूचुअल फंड कितना मिल रहा है, 23%। तो अपने आप में म्यूचुअल फंड अच्छा है, लेकिन आप देख लें कि म्यूचुअल फंड अच्छा है या नहीं। उसके लिए कैसे देखेंगे, उनकी जो वेबसाइट है उस पर उनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होगा और उनकी बैलेंस शीट होगी, आप उसे देख सकते हैं। उसके आधार पे जब आपको लगे कि मामला इनके यहाँ सब कुछ ठीक ठीक सही सही ये कर रहे हैं, तो आप वहां पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि अकाउंटिंग जो है इस तरह से इन्वेस्टर्स की भी मदद कर रहा है, इन म्यूचुअल फंड कंपनियों की भी मदद कर रहा है। तो अपने आप में अकाउंटिंग का महत्व तो बहुत ज्यादा है। सरकार का जो मैं सुबह सुबह इकोनॉमिक्स के क्लास में बता रहा था कि सरकार अपना बजट बनाती है, वह भी अकाउंटिंग का ही एक हिस्सा है, ठीक है, आपको पता होगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम अकाउंटिंग का जो पहला हिस्सा है जिसे हमने बुक कीपिंग बोला था, जिसे आपने बही खाता बोला था, उसको हिंदी में पुस्तपालन भी कहा जाता है। आप उसको बही खाता भी बोलते हैं और पुस्तपालन भी बोलते हैं, अंग्रेजी में एक ही शब्द है बुक कीपिंग। देखिए दो शब्द हैं, बुक और कीपिंग, ठीक है, तो हम इसे जानेंगे आगे। फिलहाल इन्होंने पुस्तपालन में जो परिभाषा दी है, रोलैंड की एक परिभाषा है, पुस्तपालन सौदों को कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर लिखना है। दूसरा आर्थल फील्ड हाउस की परिभाषा है,
पुस्तपालन व लेखा कर्म वह कला व विज्ञान है जिसके अनुसार वित्तीय सौदों को किताबों में सही सही लिखा जाता है और किसी भी समय आप यह ज्ञात कर पाए जिससे कि किसी निश्चित अवधि में लाभ हुआ या हानि हुई और इस अवधि के अंत में आर्थिक स्थिति क्या है, जैसी भी आर्थिक स्थिति है उसकी सत्यता है वो सही है या गलत, इसकी आप जांच कर सकें और उसे प्रमाणित भी कर सकें। तो प्रमाण देखिए, फैक्ट्स अपने आप में प्रमाण होते हैं। हम जब सारे ट्रांजेक्शन्स लिख देते हैं कि इतनी संपत्तियां, इतने दायित्व, इतना लाभ, इतनी हानि, ये सारी चीजें जब हम लिख देते हैं तो अपने आप में वह स्वयं प्रमाणित होता है, ठीक है, सेल्फ टेस्टेड होता है, ठीक है। इसमें मैंने कुछ परिभाषाओं के तौर पे एक J.R. वाटलीबाई की परिभाषा पढ़ने को आपसे कहा था, पुस्तपालन व्यापारिक व्यवहारों का निश्चित पुस्तकों में लेखा करने की कला है। बुककीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स, किताबों का कुछ एक सेट। तो सेट में मैंने आपको बताया जर्नल है, लेजर है, ठीक है, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है और बैलेंस शीट है, ठीक है। अगर आप एक परिभाषा, उपयुक्त परिभाषा देना चाहें तो पुस्तपालन वह विज्ञान व कला है जिसके अनुसार व्यापारिक संस्था के लेन देनों का लेखा कुछ निश्चित पुस्तकों में किया जाएगा, किसी निश्चित प्रणाली के अनुसार किया जाएगा, विधिवत किया जाएगा और नियमानुसार किया जाएगा, ठीक है। मैंने आपको, अगर आप देखें, कल जो मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट टाइम, वही बात मैंने आज भी लगभग समझाई है, नया कुछ नहीं बताया। मेरा पर्पज यह है कि आप सबसे पहले टॉपिक्स को समझें, उसमें प्रवेश करें और इतनी बात आप एक बार फिर से अपनी किताब में पढ़िएगा, ठीक है। इसके आगे कुछ परिभाषाएं जो आपको पढ़नी है बच्चों, मैंने कल जैसा कि नोट कराया था, ये परिभाषा आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। विज्ञान कला है, सॉरी, लेखांकन विज्ञान है या कला या दोनों, ये आपको पढ़ने के लिए कहा था। पढ़ा क्या आप लोगों ने? यस सर। इसमें आपको कुछ बात समझ में आई कि ये क्या है, कला है या विज्ञान है? पहले तो यहाँ जो परिभाषाएं आपने पढ़ी थी, परिभाषाओं के आधार पे दोनों है ना, क्या पढ़ा? बोले बेटा, कुछ बोले थे आप, मैं सुन रहा। आपकी वॉइस नहीं आ रही। मेरी आवाज चली गई क्या? किसी को नहीं आ रही? नो सर, कभी फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है, कभी स्लो मोशन में होती है। ये मैंने बताया था कि आज बारिश हो रही ना, तो उसकी वजह से, नेटवर्क इशू की वजह से हो सकता है। अभी आ रही थी? यस सर, अभी आ रही। अभी कोई बच्चा बोल रहा है तो उसकी स्लो मोशन में आवाज आ रही है, ठीक आ रही। तो खैर, चलो फिलहाल इसे पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। जो परिभाषाएं आपने पढ़ी थी उसमें कुछ उसके अंग हैं या कुछ कह लीजिए विशेषताएं इन्होंने नोट की हैं कि इसमें अकाउंटिंग में केवल वित्तीय लेन देन का ही लेखा हो सकेगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो लेन देन होंगे उन्ही का लेखा होगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जो वित्तीय लेन देन होंगे, वित्तीय लेन देन का मतलब है जिनमें वित्त यानी पैसा शामिल होगा। अगर पैसा नहीं शामिल है तो चाहे कितने भी महत्वपूर्ण घटना हो उस व्यापारिक संगठन की, उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा अकाउंटिंग में। वैसे आप कहीं लिख सकते हैं लेकिन अकाउंटिंग में नहीं लिखेंगे। जैसे किसी बड़े अधिकारी की मृत्यु हो जाए तो उसे अकाउंटिंग में नहीं लिखा जा सकता क्योंकि ये वित्तीय ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जो है अपने कर्मचारी को हमने 500 रुपए की सैलरी दी तो इसमें पैसा शामिल है और ये अकाउंटिंग बुक्स में लिखा जाएगा, बात क्लियर है। दूसरा है लेन देन का हम लेखा करेंगे तो लेन देन का लेखा हम करेंगे कहाँ कहाँ, तो हम नकद जो लेन देन होंगे, रोकड़ से संबंधित लेन देन का लेखा वो हम रोकड़ वही में करेंगे। विक्रय वही में जो विक्रय उधार माल का विक्रय होगा उसका लेखा होगा। ध्यान रखिएगा, नकद विक्रय होगा तो वो रोकड़ वही में ही जाएगा क्योंकि वो नकद लेन देन हो गया, है ना। लेकिन अगर उधार विक्रय होगा तो विक्रय वही में यानी सेल्स बुक में जाएगा। अगर उधार क्रय करेंगे, ध्यान रखिएगा, उधार क्रय ही केवल, उधार खरीदारी, ये क्रय वही में आएगी, ठीक है। क्रय वापसी वही में जो आपने उधार क्रय किया था अगर आप उसे वापस कर दें, विक्रय वापसी में जो उधार आपने बेचा था अगर कोई आपको वापस कर दे, प्राप्य विपत्र वही क्या होती है, और प्राप्य यानी कि देय विपत्र वही क्या होती है, इसे समझ लीजिए। जब आप किसी को उधार माल बेचते हैं तो आपको श्योरिटी नहीं होती कि वो पैसा कब देगा, तो आप उस पर एक पत्र उसे लिखते हैं और उसमें आप उससे कहते हैं कि भाई आज से 2 महीने बाद 2000 रुपये आप मुझे पे कर दें, जिसका प्रतिफल माल के रूप में आप पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, और आप अपने इस पे हस्ताक्षर कर देते हैं। उस व्यक्ति के पास वो लेटर पहुंचता है, जब वह भी उस पे हस्ताक्षर करके आपको पुनः लौटा देता है
तो ये माना जाता है कि आपको इसका एक बिल रिसीवेबल मिल गया, सॉरी बिल मिल गया, ठीक है, बिल रिसीवेबल मिल गया, यानी कि रिसीवेबल बिल का मतलब होता है ये वह बिल है जिसपे पेमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसका लेखा आप जिस बुक में करते हैं, जो आपको ये बिल मिलेगा, उसे बिल रिसीवेबल बुक कहा जाता है। और ऐसे ही जब आपने किसी से उधार खरीदा था, वह आप पे बिल लिखता है, आप उसे एक्सेप्ट करके दे देते हैं, तो वह आपके लिए देय बिल कहलाते हैं या देय विपत्र कहलाते हैं, इन्हें बिल्स पेबल बुक में लिखा जाता है। ये हो गया जर्नल का सब डिविजन। मैंने आपको कल बताया था कि जर्नल की ये जो सब डिविजन है ये केवल बड़े व्यापारी करते हैं, जो छोटे व्यापारी हैं वो केवल एक जर्नल बनाते हैं। जर्नल कैसे बनाते हैं ये बात की बात है, जो बड़े व्यापारी हैं वो जर्नल भी बनाते हैं और ये किताबें भी रखते हैं, कैसे रखते हैं ये बात की बात है। अभी केवल इतना जानना है कि ये छोटे और बड़े व्यापारी में अंतर होता है, ठीक है। जब आप ये जर्नल कर चुके होते हैं तो आप उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी कि उनको आप खाते में रिकॉर्ड करते हैं, खाता बही में रिकॉर्ड करते हैं। कैसे करते हैं ये बात की बात है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो क्रय से संबंधित लेन देन है वो क्रय खाते में, रोकड़ से संबंधित रोकड़ खाते में, विक्रय से संबंधित विक्रय खाते में लिखे जाएंगे। उनकी समरी बनाई जाती है जिसे हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, तलपट बोलते हैं, और बाद में हम बैलेंस शीट बनाते हैं, लाभ हानि खाता बनाते हैं, ये सब समराइजिंग कहलाता है। उसका जब हम बाद में एनालिसिस करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के एनालिसिस होते हैं, जैसे कि रेशियो एनालिसिस होता है, और भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तमाम टेक्निक हैं जो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में आती हैं। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हिस्सा होता है, यहाँ तक आप मान के चलिए कि ये वित्तीय लेखांकन, ठीक है। लेखाकर्म के बारे में कहा गया कि ये विज्ञान और कला है जिसके द्वारा व्यापारिक संस्था के व्यवहारों का स्थायी लेखा विधिवत किया जाता है, शुद्ध रूप में किया जाता है बहियों में, ठीक है, और ऐसे इस तरह से किया जाता है कि उनसे संबंधित सारे विवरण और उनका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा है बिजनेस पर एक विशेष अवधि के अंत में, और जो आर्थिक स्थिति रही उसे हम ठीक ठीक से जान सकें। अब आर्थिक प्रभाव क्या होता है, लाभ होना या हानि होना, ये आर्थिक प्रभाव है, ठीक है। और वर्ष के आखिर में हमारी कितनी संपत्तियां हैं और कितने हमारे ऊपर दायित्व हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितनी एसेट्स हैं, ये सब जानना होता है, उसी को हम आर्थिक स्थिति बोलते हैं। जैसे अगर हम कहें कि आपके पापा की आर्थिक स्थिति कैसी है, तो आप अगर बोलना चाहेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके पापा के पास संपत्तियां कितनी हैं और उनके ऊपर लायबिलिटीज कितनी है, दोनों को मिलाकर के ही तो आर्थिक स्थिति बनेगी। ऐसे ही व्यापार के साथ होता है। तो कुल मिलाकर के व्यापार में जो आप लेखा कर्म के अंतर्गत मुख्य कार्य पढ़ेंगे वो बहियों की जांच करना कि वे शुद्ध हैं या नहीं, ठीक है, उनको बनाना भी और उनकी जांच भी करना, ठीक है, संशोधन करना और अंतिम खाते बना लेना और अंतिम खातों का विश्लेषण करना, ये सब अकाउंटेंसी के अंतर्गत आता है। बहियों की जांच करने से शुरू होता है अकाउंटेंसी, और जो पुस्तपालन है उसमें बहियां बनाना आता है जिसमें जर्नल बनाएंगे और खाता बही बनाएंगे। पुस्तपालन यानी कि जर्नल और खाता बही बनाना, और लेखाकर्म कहाँ से शुरू होता है, लेखाकर्म जहाँ से बहिया जो बनी वो ठीक ठीक बनी कि नहीं बनी, है ना, उनकी जांच होगी, उनमें अगर कोई करेक्शन है तो वो करेंगे, अंतिम खाते बनाएंगे और अंतिम खाते का विश्लेषण करेंगे, ठीक है। दोनों में अंतर क्या होता है ये टॉपिक कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है, ओके। तो अभी जितने बच्चों ने जो कुछ भी सुना है, अगर वो कुछ पूछना चाहें तो प्लीज पूछिए, एनीबॉडी एनीथिंग यू कैन आस्क। कुछ पूछना है किसी को? इतना पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, और अगर कोई चीज दिक्कत करे तो कल आप पूछ सकें, इसके लिए उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। कल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे पुस्तपालन तथा लेखा कर्म में अंतर। आज के लिए इतना ही बच्चों, कोरोना है तो कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए सारी गाइडलाइंस का पालन करेंगे, घर पर रहेंगे, मास्क लगाएंगे अगर कहीं बाहर जाना पड़े, है ना, वो सब कर ही रहे हैं आप लोग, समझदार लोग हैं, तो फिलहाल घर पर ही रहिए जहां तक हो सके, बाहर तभी निकलिए जब बहुत जरूरी हो, ठीक है। सुरक्षित रहें और एंजॉय करें। मैं एक मिनट बस स्क्रीन शॉट लेता हूँ, कैमरा ऑन कर लीजिए सारे लोग अगर आप कर सके। कर लिया सभी लोग? अभी किया नहीं है सारे ने? जी सर। कैमरा हमेशा अगर ऑन रखोगे तो कोई नुकसान थोड़ी होगा, खाली फोटो खिंचाने का शौक है, फोटो खिंचाने पर देखो सारे लोग कैमरा ऑन कर लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।